और अब बात अकबरुद्दीन ओवैसी की। जी हाँ, AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी, जिनकी जुबान से एक बार फिर से जहरीले बोल निकले, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, उपाध्यक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के लिए। भड़काऊ भाषण के लिए अकबरुद्दीन ओवैसी पहले जेल भी जा चुके हैं, लेकिन लगता है उन्होंने सबक नहीं सीखा। मुसलमान चार चार बच्चे पैदा कर रहे हैं, आठ आठ बच्चे पैदा करो तुम भी। नरेंद्र मोदी तू एक क्या, तेरे जैसे 1000 भी आ जाए तो उनमें हिम्मत नहीं। सोनिया गांधी, ये राहुल गांधी, ये जितने भी गांधिया, उनके गुलामा जितने भी हैं, बड़ी धूम से नरेंद्र मोदी के साथ इस कांग्रेस का जनाजा भी उठाऊंगा। आग उगलती जुबान, न मर्यादा का ख्याल, न भाषा का लिहाज। अकबरुद्दीन ओवैसी ने जब जब जुबान खोली तब तब जहरीले बोल निकले। AIMIM के फायर ब्रांड नेता असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी चुनावी रैली में सारी हदें लांघकर, चुनाव ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम का था, लेकिन इस लोकल चुनाव में अकबरुद्दीन ओवैसी ने लोकल मुद्दों के बजाय सोनिया गांधी से लेकर PM मोदी पर तीखे हमले किए। जरा आप भी सुनिए अकबरुद्दीन ने कैसे आग उगली। अकबरुद्दीन ओवैसी, ये सोनिया गांधी, ये राहुल गांधी, ये जितने भी गांधिया, उनके गुलामा जितने भी हैं, उनको दोबारा दारुसलाम की चौकट पे जबान को चाटने पर मजबूर कर दूंगा। अब इनको मैं नहीं छोड़ने वाला। असद साहब की जरूरत नहीं है, पूरा हिंदुस्तान में इनका पीछा मैं करूंगा, ताकुब मैं करूंगा। बड़ी धूम से नरेंद्र मोदी के साथ इस कांग्रेस का जनाजा भी उठाऊंगा। सबका साथ सबका विकास, किसका साथ हुआ, किसका विकास हुआ, किसी का भी साथ नहीं हुआ। RSS, विश्व परिषद, बजरंग दल, इनका साथ हुआ, विकास किसका हुआ, किसी का नहीं, सिर्फ एक चाय वाले का विकास हुआ। ये वीडियो 30 जनवरी को YouTube पर पोस्ट किया गया था। तब अकबरुद्दीन ओवैसी हैदराबाद के बाबा नगर में एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। नगर निगम का चुनाव तो अब निपट चुका है, लेकिन अकबरुद्दीन के इस भड़काऊ भाषण की गूंज दूर तक सुनाई दे रही है। मुसलमान चार चार बच्चे पैदा कर रहे हैं, आठ आठ बच्चे पैदा करो तुम भी। मुसलमान के चार चार बीवियां, तुम भी करो, किसने रोका। अब वो अलग बात है, तुमको एक को नहीं संभाल रहे, हम चार को संभाल सकते हैं। हम क्या करेंगे अब, हम अगर 10 पैदा कर रहे हैं, तुम 2 भी नहीं कर रहे हैं, तो हम क्या करना, करो पैदा, किसने रोका। अकबरुद्दीन ओवैसी ने अपने चुनावी भाषण में हर वो हथकंडा अपनाया जिसके लिए वो बदनाम रहे हैं, बगैर इसकी परवाह किए कि उनके भाषण से किसी की धार्मिक भावनाएं भी आहत हो सकती हैं। अब सुनिए कैसे अकबरुद्दीन ने हैदराबाद शहर के चुनाव में बीफ का विवादित मुद्दा भी उठाया। हाँ, मैं खाता हूँ बीफ, क्या करते बताओ। मैं खाता हूँ, खाता रहूंगा, पहले भी कहा फिर कह रहा हूँ, मजे में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। जब तक ये जबड़े के अंदर गोश नहीं रहा, निवाला हल्लक से नीचे नहीं जा सकता। रमजान में हलीम हमारे से ज्यादा कौन खाते और क्या बोल के खाते, बीवी भेज रही है खाके आओ बोल के। ओवैसी की इस भड़काऊ जुबान ने वोटरों पर कितना असर डाला, इसका पता ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम के चुनाव नतीजों से चल जाएगा। लेकिन विरोधियों का कहना है कि अकबरुद्दीन का भाषण BJP और AIMIM के साठगांठ का संकेत देता है। MIM नेता अकबरुद्दीन ओवैसी के मन की बात जुबान पर आ गई है कि वो मोदी के साथ मिलकर के कांग्रेस का मुकाबला करेंगे, ये उनके मन की बात है। भारतीय जनता पार्टी ने शपथ ले रखी है कि कांग्रेस को नष्ट करना है। प्रधानमंत्री ने अपने भाषणों में ये बात कई बार दोहराई है कि हम कांग्रेस मुक्त भारत चाहते हैं। Anybody wants to come together on the anti-Congress platform, let them. We have faced this in the past on many occasions, and Congress is quite capable of facing any kind of onslaught, whoever is coming together against the Congress party. लेकिन बीजेपी का कहना है कि ओवैसी भाई तो खुद कांग्रेस के सहयोगी रह चुके हैं। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि ओवैसी के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लोकसभा के चुनाव के वक्त में उन्होंने इस तरह की भाषा बोली थी और उसका जवाब
देश की जनता ने दिया था। इसलिए अकबरुद्दीन ओवैसी हो या असदुद्दीन ओवैसी, नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ कितना भी बोल लें, कोई फर्क हम लोगों पर पड़ने वाला नहीं है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक सबको अनाप शनाप कहने वाले, तेलंगाना विधानसभा में एमआईएम के विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी भड़काऊ भाषण देने के मामले में 3 साल पहले 2013 में जेल की हवा भी खा चुके हैं। उन्हें तब 38 दिन सलाखों के पीछे गुजारने पड़े थे, लेकिन लगता है कि उससे भी अकबरुद्दीन ने सबक नहीं लिया।